में थोड़ा सा काम भी करा ना, मैं सोच रहा हूँ वापस मैं ऑटो पे गया था, समझ रहे हो। जैसी बाइक की चाबी चमक रही है वैसी आज बाइक चमक रही है। तो एग्जॉस्ट का काम तो हो गया है और अब मैं निकल रहा हूँ, अभी पहले जाऊँगा वहाँ पे जहाँ पे काम चल रहा है। तो जी हो चुकी है एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आई होप के सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्श ब्लॉग्स। काफ़ी दिन से ना दिल्ली के अंदर अच्छा खासा मौसम हो रहा था, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा था। इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देख भी लिया होगा कि जब मैं मोटोरामा गया था वहाँ पर इतनी खतरनाक बारिश हुई थी, सब जगह गीला गीला हो रखा था। दिल्ली के अंदर ना मौसम समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, कभी ठंड हो रही है कभी गर्मी हो रही है। इस टाइम ना गर्मी लग रही है अच्छी वाली और कल ना इतनी ठंड लग रही थी कि शर्ट में भी ना अच्छी खासी ठंड लग रही थी, और अब इस टाइम गर्मी लग रही है बहुत अच्छी वाली। और आज ना मैं गब्बर को लेके जा रहा हूँ करोल बाग, इसमें थोड़ा सा काम भी कराना, मैं सोच रहा हूँ इसकी डिटेलिंग करवा दूँ। इसमें ना बहुत स्क्रैचेस वगैरह आ रखे हैं। इंडिया गेट जा रहा हूँ एक दूसरे रास्ते से, क्योंकि जिस रास्ते से मैं जाता हूँ वो इतना ट्रैफिक होगा पक्का उसमें, इसलिए मैंने सोचा कि यार आज ना मैं इंडिया गेट वाले रास्ते से जाता हूँ, अच्छा भी रहेगा और अच्छा भी इस टाइम मौसम भी अच्छा हो रहा है और वहाँ पर देखने भी अच्छा होगा। वो उधर से निकलते जाऊँगा, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। कनाट प्लेस के लिए निकलना, कनाट प्लेस सीधा जाके लेफ्ट। मुझे ना इस एरिया के रास्ते याद नहीं होते यार, ये न्यू दिल्ली के ना इस तरफ के रास्ते बिल्कुल याद नहीं होते, भूल जाता हूँ बार बार। पूछते पूछते सीपी तो पहुँच गए हैं, ये सामने है सीपी, ये लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में सीपी की मार्केट है, यहाँ तक पूछते पूछते पहुँच गए। वैसे अब समझ में आ रहा है कि अगर वो ढोलक वाले रूट से जाते ना तो वहाँ से जल्दी पहुँच जाते, क्योंकि पूछना नहीं पड़ता, अभी यहाँ पूछना पड़ रहा है। वैसे सीधा रास्ता यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे अगर रास्ता याद रहे तो। तो कल से शुरू हो चुके हैं रमज़ान, और कल से शुरू हो चुके हैं नवरात्रे, और कल से शुरू होंगे रमज़ान, दोनों अच्छे दिन एक साथ ही हैं यार। अभी मैं ना साइड पर जाने के बाद आ गया हूँ करोल बाग की मार्केट में अंदर, और मैं बाइक छोड़ूंगा अभी मोटो किंग स्टोर पे, जो कि मासूम भाई की है। तो अभी आ गया हूँ मोटो किंग स्टोर पे, यहाँ पे कुछ काम कराना है बाइक का, और यहाँ पे वैसे भी कुछ काम चल रहा है। ओके थैंक यू। जैसी बाइक की चाबी चमक रही है ना वैसी आज बाइक चमक रही है। ये मासूम भाई की S1000 RR, देख रहे हो कैसे खड़ी कर रखी है। और बाकी सब यहाँ पे चल रहा है काम, और अभी जहाँ पे इंटीरियर चल रहा है अभी वहाँ पे भी चलेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें काम क्या कराया है, ये देखो इसकी डिटेलिंग कराई है। ये ऐसी बाइक थी, इतनी मस्त कर दी ना, साफ़ सुथरी कैसी लग रही है, बढ़िया लग रही है ना। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। ये है मोटो किंग का मेन स्टोर सामने, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कराता हूँ, इसमें पर जो स्प्रिंग है वो आवाज़ कर रहा है उसको सही कराते हैं। नमस्ते, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हिलना ही बंद है, अब आवाज़ नहीं करेगी। आगे कर लीजिए, मैं हटा रहा हूँ। हो गई झंझनाहट ख़त्म, हाँ बढ़िया कर दी है ना, एकदम मस्त कर दी, अलग ही चमक रही है। तो एग्जॉस्ट का काम तो हो गया है और अब मैं निकल रहा हूँ, अभी पहले जाऊँगा वहाँ पे जहाँ पे काम चल रहा है, वहाँ आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, और फिर सीधा निकलूँगा अपने घर, क्योंकि कल से रमज़ान स्टार्ट है तो उसकी तैयारी भी करनी है। मैं पहुँच चुका हूँ अपनी साइट पर, और यहाँ पे कितना काम हो गया है अभी देखते हैं, कितना काम हो चुका है। ये कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे,
पेंट का काम स्टार्ट है, बाकी काम तो पार्टीशन वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है। ये देख रहे हो जब बन के आएगा ना, छत में कुछ और करना है, जब बन के आएगा ना जब पता चलेगा। अच्छा आप यहीं पे हो हैं, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाँ यहाँ पे काम चल रहा है। ये क्या है ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा, और यहाँ पे चल रहा है काम। अभी आप जैसा देख रहे हो उसके बाद पूरा चेंज हो जाएगा, क्यों सलीम भाई सब चेंज हो जाएगा। सब चेंज हो जाएगा, ये सब मोटो किंग स्टोर का है, मासूम भाई का बन रहा है ये सारा जितना भी है। यहाँ पे सब एसेसरीज़ वगैरह रखेंगे, बाइकें खड़ी करेंगे, पीछे वर्कशॉप बनेगा। देख रहे हो पहले ऐसे ही था, इससे पिछली वाली वीडियो में आपने आप लोगों ने देखा होगा पहले ऐसे ही था क्या। अभी और भी इसमें बहुत कुछ चेंज होने वाले हैं, और जब चेंज होंगे तब देखना आप। तो जी मैं निकल चुका हूँ करोल बाग से घर के लिए, क्योंकि कल है रमज़ान, तो आज से तैयारी शुरू कर रही है रमज़ान की। ये है सीपी कनॉट प्लेस, और इस टाइम मौसम देखो यार कितना ज़बरदस्त हो रहा है, अच्छा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। साइकिल चला रहे हैं, एक बार मैं भी यहाँ से साइकिल लेके गया था, मतलब घर से साइकिलिंग करके यहाँ तक आया था कनॉट प्लेस तक, और वापस मैं ऑटो में गया था, समझ रहे हो इतने बुरी तरह थक गया था। लेकिन हुआ क्या था, किसी की ना साइकिल का टायर फट गया था, इसलिए उसकी साइकिल मैं ऑटो में रख के लेके आया था, मेरी साइकिल कोई और चला रहा था। यहाँ पे आ चुके हैं हम प्रगति मैदान, सामने है प्रगति मैदान और सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली में ना बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं, और ना इतनी अच्छी लगने लगी है दिल्ली बहुत, लेकिन एक ट्रैफिक की वजह से सिर्फ यहाँ पर दिक्कत है, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है। अपनी दिल्ली सबसे बेस्ट है, सिर्फ ट्रैफिक कम हो जाए बस और कुछ नहीं। बस एक लाजपत नगर का एरिया ऐसा है कि पूरे रास्ते अगर हम कहीं आ रहे हैं लाजपत नगर में आके ही ट्रैफिक मिलता है, ज़रूर मिलता है, और ऐसे ही दिन निकल जाता है पूरा पूरा, और ट्रैफिक भी मिल ही गया। सोच ही रहा था कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ट्रैफिक मिल ही गया। और कल लग रहा है कि मौसम ना बारिश वाला रहेगा। फिलहाल तो इस ट्रैफिक से निकलते हुए घर जाता हूँ, और इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करता हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में, बहुत बढ़िया ब्लॉग में। और अभी ना कुछ और भी प्लान चल रहा है, कहीं राइड का प्लान है, सोच रहा हूँ कि ना जैसे ही ये मासूम भाई का काम ख़त्म हो जाएगा, तो मासूम भाई का काम ख़त्म हो जाएगा तो एक राइड पे निकलूँगा, अच्छी सी राइड पे। तो बस इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं इस ट्रैफिक के साथ, फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।